पुनः स्वागत है 24x7 भोजपुरी न्यूज़। आपको बता दें कि आज हम आए हुए हैं लाठान पंचायत के अंतर्गत पीटरो गांव में, जो कि आपको जानने की जरूरत है। और ऐसे ही एक कोरोना योद्धा से मिलाएंगे आपको, जो कि हमारे चैनल में भी काम करते हैं और साथ साथ में एक CSP भी चलाते हैं। तो आपको बता दें, उनका शुभ नाम हुआ प्रमोद कुमार मिश्र जी, और इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय पहल उठाया है और समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। एक भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में इतने भी बड़ी हस्ती रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये अभी तक ले बहुत सारे सामाजिक काम कर चुके हैं, लेकिन हम लोग में एक ही कमी होती है। हमारे चैनल के भी यही नियम है, और एक हमारी समिति चलती है भास्कर समिति, जो कि सक्रियता दिखा रही है इसमें। लेकिन कहा जाता है मित्रों के गुप्त दान महादान, वही ही सबसे बड़ा दान है, और गुप्त दान आप भी करेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा लगेगा। आप किसी भी गरीब बंधु को जो उस लायक हैं उन्हें मदद करके देखिए, इसके बाद मालूम चलेगा कि हाँ वास्तविक रूप से वही दान है, वही दान है, वही दान है। तो मैं पुनः आपसे बता दूं कि मैं आप सबका मित्र, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त विष्णु सर पाठक, पाठक जी विष्णु, एक बार पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल से जितने सारे लोग जुड़े हैं अभी तक जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। ताकि आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान दिया और सुना, उसके लिए फिर से धन्यवाद। अब मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ। आपको बता दूँ कि मैं अभी भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, छोटा सा ही पंचायत है लाठान पंचायत के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर कितने जनप्रतिनिधि है, कितने ही बड़े विधायक जी हों या फिर छोटे मोटे सारे नेता आते हैं, मतलब हर एक गाँव में 10-20 को नेता हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि आज पत्रकार, कलाकार और नेता की कमी नहीं है, सत्य बात है। एक ढेला उठाएंगे और फेंकेंगे तो यहाँ कोई ना कोई पत्रकार या कलाकार मिल ही जाएगा, और उसी तरह समाज सेवक तो बहुत कम मिलते हैं सच्चे दिल से। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि मैं पुनः आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत कुछ किया, और ये एक सराहनीय पहल है, और इस पहल में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं फिर से अपने टॉपिक पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये महामारी एक कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन को समझा जाए। माननीय DGP महोदय गुप्तेश्वर पांडे जी का कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो केवल जुड़े ही रहें, अन्यथा कोई गलत सलत पोस्ट न करें, अन्यथा आप पर भारी पड़ सकते हैं। और सीधा सीधी पूछताछ ना होगा, पूछताछ ना हो, सीधे ठोकाई हुई, और कौन तरह से ठोकाई हुई, सीधे भोजपुरी में समझ जाए कि बेटा अगर तू कुछ गलती करत रह तो तहरा के सजा देवे वाला प्रशासन और बढ़े बा, साथ साथ पत्रकार भाई भी बड़न जो कि मेहनत करते रहन। और आई हमनी के अब फिर से टॉपिक पे आवल जाओ। ये एक छोटा सा CSP और छोटा ही गाँव बा, और ये गाँव में ऐसा भी लोग बा जरा से मिलवाल चाह, और हम शान से कह सकते नहीं कि एगो भाई ऐसा बानी कि कोरोना योद्धा वास्तविक रूप से जीवन होला, रो खुद कहम कि हम बानी काहे बानी, ताई यहाँ के का काम करतनी, का कार्य करतनी बात कर जाओ। कैसे हमने के भैया भोजपुरिया चैनल है, भोजपुरिया समाज और भोजपुर जिला के लाल बानी जा, तो भोजपुरी में ही हमने के बोलब जा तो अच्छा लगी। ऐसा थोड़े ना बा कि हमने के भोजपुरी ना आवेला, चाहे हिंदी ना आवेला, चाहे अंग्रेजी अंग्रेजी ना आवेला, तो सभे आवेला, सब कुछ आवेला। हमनी के तो संस्कृतो जान ला जा, संस्कृत सबके बाप है, सभे जानता, लेकिन संस्कृत बोल के का करम कि कोई समझ में ना करी ना। तो ये चलते हमनी के बात कर जाओ अपने भाषा में, भोजपुरी में, तो भोजपुरिया समाज में। आई ज्यादा विलम्ब ना करम, ताकि विलम्ब करम तो हो सकता कि भगवान हमनी के विलम्ब कर दिए। ये चलते ये महामारी से बचे खातिर कुछ सराहनीय कार्य के लिए बनी रहो, देख सकता नहीं कैमरा मैन के माध्यम से कि आपने इस CSP को के लिए जो योगदान दिया है, हमारे चैनल के लिए योगदान दिया है। एक सीधी तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल दूरी बनाए हुए हैं, एक सब कोई ने एक चिन्हित किया हुआ है, चिन्हित आपको बता दें, ये ब्लीचिंग पाउडर और चूने को मिलाकर किया गया है ताकि एक दायरे में रहे और एक सही ढंग से काम हो। तो आप कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरी दूरी को मेंटेन किया हुआ और समाज में अपनी सारे चीजों को बनाए हुए हैं। आइए तो सीधे तौर पर बात करते हैं कि काम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काम जो कर रहे हैं, और हमारे जो मित्र हैं आपको बता दें ये पीरो क्षेत्र के हमारे चैनल के ही रिपोर्टर भी हैं प्रमोद कुमार मिश्र जी, और साथ ही साथ में हमारे बड़े भाई हुए और बड़े ही अच्छे मार्गदर्शक के रूप में इन्हें मैं मानता हूँ, क्योंकि गुरु सबका एक ही होता है और गुरु गुरु होता है, गुरु की इज्जत करते हैं हम लोग। तो आइए सीधे तौर पर हम बात करते हैं और देख सकते हैं कि इन्होंने
किस तरह से सामाजिक दूरी को बनाते हुए एक सोशल काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इनके हाथों में कैमरामैन के माध्यम से क्या क्या चीज रखा हुआ है। एक शायद लाइव बॉय साबुन है और दवाई भी रखे हैं। उस दवाई और साबुन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है। आपको मैं पुनः बता दूं कि ये दवाई पारासीटामोल, जो कि दर्द और बुखार में भी काम आता है, तो इन्होंने अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल की है। हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ताकि आपको बता दें फिर से कि ये बहुत ही सराहनीय पहल है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ये चीज़ जानने की जरूरत है कि दवाई भी रखा जाए और दवाई के साथ साथ में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और देख सकते हैं कि डिटॉल साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, पूरा एरिया सैनिटाइज किया गया है। हमारे कैमरामैन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गली नली जितने सारी हैं सारा कुछ सैनिटाइज किया गया है। और सैनिटाइज किया गया है, सैनिटाइज आप देख सकते हैं कि पूरा गली नली जो है सैनिटाइज किया गया है। साथ साथ में देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में हमारे पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। एक छोटे से गांव में ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूरी मेंटेन करते हुए सारे जितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनके स्टाफ भी हैं और इनके साथ साथ में एक ग्राहक जो होता है, ग्राहक भगवान के रूप में माना जाता है, और उस भगवान को इन्होंने मानते हुए सारे चीज़ों को दिखाया और समाज के लिए ये योगदान काफ़ी सराहनीय है। और अच्छी बात है कि इस तरह के पहल होते रहें और ये पहल बना रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि समझेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी तरह समझते रहे इंडिया, और सुरक्षा ही हमारी बचाव है। अभी तक मैं एक और चीज़ बता दूं कि भले ही हमारे पूरे भारत देश में मरीज कम है, लेकिन इसे कम ना समझा जाए, इसे ज़्यादा ही समझ कर चला, क्योंकि लॉकडाउन ये दूसरी बार बढ़ चुका है, 3 मई तक बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे जितने सारे स्टाफ हैं एक दायरे में रह कर के बात कर रहे हैं और एक दायरे में ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए अच्छी बात है। और आपको बता दें कि ये जो कुछ भी आपने देखा, हमारे कैमरामैन राहुल राज जो कि दिल्ली से बीटेक किए हुए हैं और ये अभी हमारे साथ, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने माध्यम से बहुत कुछ सराहनीय पहल किया है। तो आपको पूरा मैं बता दूं कि इसी तरह सामाजिक दूरी को आप भी बनाएं और अपने CSP को चलाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से हमारे चैनल की ओर से, पूरी टीम की ओर से, पूरे आरा जिला नहीं, पूरे शाहबाद और बिहार की तरफ से धन्यवाद। मैं फिर से इस CSP का नाम बोलूंगा, बैंक मित्र केंद्र है पीट्रो, और बैंक मित्र का नाम है प्रमोद कुमार मिश्र, DBGV विकल्प दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से संबंधित है और एक तरह का ये NGO है, पंजाब नेशनल का पार्ट है। तो इस तरह का सराहनीय पहल हो तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के सराहनीय पहल आप लोग भी करें। हमारे चैनल के माध्यम से ये जागरूकता अभियान ही समझें, इसे यथासंभव अपने माइंड में धंसा लें। और आपको पुनः मैं बता दूं कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ में एक बहुत ही, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जितने सारे सोशल वर्कर हैं मैं उनसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप लोग दिखावा ना करें, कि दिखावा कीजिएगा तो हो सकता है महंगा पड़ जाए, महंगा न पढ़ने दिया जाए और दिखावा से बचे। उस ऐसे सभी लोग जानते हैं कि जनप्रतिनिधि कितने सत्यता पे आते हैं। मैं जानता हूँ, मैं खोल कर नहीं कहूँगा, मैं मतलब खोल कर कह भी सकता हूँ और कहले उचित बा, यह चलते कि चोर के चोर कहला पता तीतकी लगबे करी। वही तरह से फिर से कहता नहीं कि तू अगर डाँड डाँड तो हम पात पात, तू डाँड डाँड तो हम पात पात, तू दिखावा करब तो हम ओकर उजागर करब। यही चलते बना रही और देखते रही भोजपुरी 24/7 समय। फिर से अपना नाम बता रहा हूँ, पाठक जी विष्णु, और विष्णु पाठक इसी तरह बना रहता है, दिल से थैंक यू। और आपको बता दें कि ये चैनल जो कि पोर्टल न्यूज है, इस पोर्टल न्यूज को लाइक, कमेंट और फॉरवर्ड करना ना भूले, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लिया लोग, और कैला के बाद में वो बेल आइकन के टुनटुना दिया लोग, और टुनटुनाइला के बाद में घंटी के आवाज आई ना तो नोटिफिकेशन टाइम टाइम यही तरह बना रहे। धन्यवाद।